नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 19 अगस्त 2020 है। 19 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 27,64,000 हो गई। इधर बिहार में अब तक की संक्रमितों की संख्या 1,09,815 हो गई है। फर्जी वेबसाइट बनाकर आम लोगों से राशि वसूलने वालों 3 लोगों को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दबोच लिया। इसमें 2 आरोपी पटना के हैं, 1 अयोध्या के। ये लोग फर्जी तरीके से अपने वेबसाइट पर वैकेंसी अथवा किसी योजना का सब्ज बाग दिखाकर लोगों से रुपये ऐंठते थे। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने 15,000 लोगों से राशि अब तक वसूला है। इन लोगों से पूछताछ चल रही है। पूर्णिया जिले के श्रीपुर गांव में भाई भाई के विवाद में भाई ने भाई को चाकू से वार कर मार डाला। मृतक बड़ा भाई था। इस घटना से पूरा इलाका थर्रा गया है। घटना दिन दहाड़े अंजाम दी गई है। मानसी के ठाठा गांव के समीप NH-31 पर ट्रक व बाइक की टक्कर में बाइक चालक की मौत हो गई। मृतक गोगड़ी गांव का 24 वर्षीय दीपक कुमार मंडल था। दीपक ससुराल जा रहा था। मुंगेर जिले के हरिया मार गांव के रोहित सिंह से खगड़िया के जमालपुर बाजार स्थित स्टेट बैंक की शाखा के पास 2 लोगों ने रुपये छीन लिया। रुपया 45,000 बताया जा रहा है। किशनगंज में ग्रामीणों ने भारत से नेपाल ले जाए जा रहे 25 बोरी खाद को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये खाद तस्करी के बताए गए। बिहार में एक बार फिर 30,000 शिक्षकों का नियोजन टल गया है। अब नए सिरे से न्यायालय के आदेश के बाद ही अगली कार्रवाई होगी। यह नियोजन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में होना था। बिहार के 6 जिलों में आज से सीरो सर्वे शुरू होगा। इससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता चलेगा। जिन जिलों में सीरो सर्वे शुरू होगा उसमें पूर्णिया, अरवल, बक्सर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और मधुबनी हैं। इस साल बिहार के गया में हर साल की भांति लगने वाले पितृपक्ष का मेला नहीं लगेगा, ऐसा कोरोना संक्रमण को लेकर निर्णय लिया गया है। बिहार शरीफ में लोन देने के नाम पर जीविका दीदियों को चूना लगाकर चिटफंड कंपनी फरार हो गई। इस बात को लेकर वहां हंगामा चल रहा है। ऑफिस में काम करने वालों का पता लगाया जा रहा है। सीतामढ़ी के ससोला गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के मिले रुपये के लेन देन में 2 भाइयों में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के खून के पिपासु हो गए। बाद में दोनों भाई थाने पहुंच गए। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना पुलिस ने नरहा गांव से 120 बोतल नेपाली शराब जब्त किया है। पुलिस ने रवि महतो नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रवि शराब तस्करी का मास्टर माइंड बताया जाता है। भागलपुर में अलीगंज चौक पर जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई रमेश शाह ने प्रवीण शाह नामक छोटे भाई को गोलियों से भून डाला। इस घटना से अलीगंज चौक थर्रा गया है। भागलपुर के बराड़ी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 5 में सोमवार देर रात सुप्तावस्था में ही किराना दुकानदार डब्लू यादव की हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक की पत्नी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुल्तानगंज भागलपुर मार्ग पर महेश गांधी घर के बीच सुल्तानगंज की ओर आ रही टेम्पो पलट गई। इस घटना में एक महिला बैंक कर्मी की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। सहरसा जिले के बलवा हाट ओपी के भगवानपुर गांव में सोमवार की देर रात छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी को चोटें आई। बिहार में पूर्णिया के 22 अनुमंडल में कटाव का कहर जारी है। कटाव से डरे सहमे लोग गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अररिया जिले के जोकीहाट में शरारती तत्वों ने पेट्रोल छिड़क कर एक बाइक में आग लगा दी। अब जानते हैं राजनीतिक गलियारों में क्या हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य के पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों के नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि कर दी गई है। 3.5 लाख शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से यह लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF का भी लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन में EPF स्कीम के तहत 20% से अधिक वृद्धि हो पाएगी। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बिहार के दोनों जवानों का शव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसके बाद नेताओं और मंत्रियों के श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले शहीदों को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी क्रम में श्रद्धांजलि देने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि बारामूला में हमारे 2 जवान शहीद हुए थे,
उनको हम सलाम करते हैं। साथ ही कहा कि हम लोग कहते रहे हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स में हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जातीय राजनीति पर बोलते हुए जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि पिछड़ों और दलितों को इस्तेमाल कई पार्टियां अपनी सत्ता के लिए कर रही हैं। 30 सालों बाद जनता नया विकल्प तलाशेगी और हम नया विकल्प तलाशेंगे। राज्य में सीएम कोई नया होगा। इसी क्रम में पूर्णिया के जदयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि जिसने बिहार में किया विकास वह है नीतीश कुमार। जनता का पूर्ण मनसा नीतीश कुमार के साथ है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को अब नया चुनाव चिन्ह मिलेगा। पुराना चुनाव चिन्ह टेलीफोन अब बदल जाएगा। यह जानकारी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने वर्चुअल बैठक में दी। अब जानते हैं मौसम के बारे में। बुधवार यानी आज से लगातार वर्षा के आसार बताए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की पट्टी बन गई है, इससे नया सिस्टम लागू हो रहा है। इस बीच बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है, कई नदियां उफना रही हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।